गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग, राशि परिचय, राशि फल एवं खास उपाय की जानकारी देंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 23 फरवरी शुक्रवार 2024, श्री सुसंवत 2080, शक संवत 1945, माघ महीना, उजाला पाठ, 14 तिथि, सूर्य कुंभ राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में, अश्लेषा नक्षत्र शाम को 6:52 तक रहेगा। इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। दिशा सूर्य पश्चिम दिशा, परिहार दही। कहने का मतलब यह है आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन पश्चिम की दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है। तब आप क्या करेंगे? अगर आज आपको पश्चिम की दिशा यात्रा करना बहुत ही जरूरी है तो आप थोड़ा सा दही खाकर पश्चिम की दिशा की यात्रा आरंभ करें तो आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। राहु काल प्रातः 10:30 से 12 बजे तक, गुली काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, यमगंड काल दिन में 3 बजे से 4:30 तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। क्यों? जो भी शुभ काम या यात्रा का आरंभ राहु काल में शुरू किया जाता है, ये दोनों ही काम में कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर कोई शुभ काम करना है या यात्रा का आरंभ करना है तब आपको क्या करना है? अगर कोई शुभ काम आप करना चाहते हैं या यात्रा आरंभ करना चाहते हैं, ये दोनों ही काम अगर आप गुणी काल में शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम आपको राशि परिचय की तरफ लेकर चलते हैं। अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि ज्ञात कीजिए, लेकिन कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, तब आप क्या करेंगे? तो भाई आप परेशान न होइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। देखो, दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर प्रा होता है और प्रा से भी बहुत लोग के नाम है, जैसे प्रांजुल, प्रीतम। अब आप क्या करेंगे? तो भाई प्रा को आप पा से देखें। कहने का मतलब यह है प्रा को आप कन्या राशि में देखें, ठीक है? इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा भी होता है और त्रा से भी बहुत लोग के नाम है, जैसे त्रिभुवन, त्रिलोकी। अब आप क्या करेंगे? तो भाई त्रा को आप ता से देखिए। कहने का मतलब त्रा को आप तुला राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञा होता है और ज्ञा से भी बहुत लोग के नाम है, जैसे ज्ञान सिंह, ज्ञानचंद। अब आप क्या करेंगे? तो भाई ज्ञा को आप गा से देखें। कहने का सीधा अर्थ यह है ज्ञा को आप मकर राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर श्रा भी होता है और श्रा से बहुत लोग के नाम है, जैसे कि श्री राम, श्रीपाल। अब आप क्या करेंगे? तो भैया श्रा को आप सा से देखें। कहने का अर्थ यह है कि श्रा को आप कुंभ राशि से देखें, ठीक है ना? अब हम आपको राशि फल की तरफ लेके चलते हैं। एरिस यानी मेष राशि। मेष लग्न राशि के जातकों
आज माता को सुख प्राप्त होगा, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं, परंतु पिता से मतभेद होने के चांस हैं। समाज में आपको अपयश मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए। टॉरस यानी वृषभ राशि, वृषभ लग्न राशि के जात को आज अपने पराक्रम के द्वारा मुके हुए कामों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भाई बहन का सहयोग मिलेगा, परंतु भाग्य में बाधा पड़ेगी। धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा, अपयश मिलने के योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय, अपने वस्त्रों में अच्छा सा परफ्यूम इस्तेमाल करें। जेमिनी यानी मिथुन राशि, मिथुन लग्न राशि के जात को आज धन संग्रह करने का अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक सुख भी मिलेगा, परंतु आयु को नुकसान पहुंचने के योग दिखाई दे रहे हैं। पुरुषों की शक्ति को भी नुकसान पहुंचेगी। विशेष उपाय, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिएगा। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातकों आज मन खुश रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, परंतु पति पत्नी में आपस में मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं। रोजी रोजगार मंदा रहेगा। विशेष उपाय, दूध खीर मिश्री आदि सफेद वस्तुओं का दान करिएगा। लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जात को आज खर्चा बढ़ेगा, मामा पक्ष से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं, परंतु बाहरी स्थानों से आपको मदद मिलेगी। विशेष उपाय, गुड़ का दान करिएगा। वर्गो यानी कन्या राशि, तो भाई कन्या लग्न राशि के जात को आज धन लाभ होने की योग दिखाई दे रहे हैं। संतान को कष्ट होने के भी योग है, दिमाग का शांत रहेगा। विशेष उपाय, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लग्न राशि के जात को आज सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पिता को सुख प्राप्त होगा, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में दिक्कत आने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, अपने वस्त्रों पर अच्छा सा परफ्यूम इस्तेमाल करें। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों आज धार्मिक कामों में मन लगेगा, भाग्य प्रबल है, परंतु भाई बहन से मतभेद होने के योग दिखाई दे। विशेष उपाय, हनुमान जी को पके हुए केले चढ़ाएं। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, धनु लग्न राशि के जातकों आज आयु को लाभ मिलेगा, बुजुर्गों की शक्ति को भी लाभ मिलेगा, धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं, परंतु उसी अनुपात में धन भी हान होने के योग है। विशेष उपाय, केले वृक्ष की पूजा करें। कर्पिकार यानी मकर राशि, मकर लग्न राशि के जातकों आज पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, रोजी रोजगार में लाभ होगा, परंतु शरीर में कुछ दिक्कत होने के योग दिखाई दे। विशेष उपाय, शनि देव महाराज की पूजा करिएगा। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कुंभ लग्न राशि के जातकों आज सावधान रहिएगा, बीमारी से झगड़े झंझट से, क्योंकि अनावश्यक धन खर्च होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, हनुमान जी की पूजा करें। पाइसिस यानी मीन राशि,
मिल लग रास के जात को आज विद्या विद्यार्थियों को विद्या का विशेष लाभ मिलेगा, संतान का सहयोग मिलेगा, बुद्धि के द्वारा धन की प्राप्ति की जा सकती है। विशेष उपाय केले वृक्ष की पूजा करें। अगर आप अपने रास फल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो अपनी रास को लग्न से देखें। अगर आपको अपनी लग्न की जानकारी नहीं है तो आप हमसे संपर्क करके अपने लग्न की निःशुल्क जानकारी कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। हमारे इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। आवश्यक सूचना अस्त्र का परीक्षण, जन्मपत्र परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, तांत्रिक अनुष्ठान, विवाह आदि के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9807225523, व्हाट्सएप नंबर 9807225523 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान मिश्रा ज्योतिष केंद्र कम्युनिटी सेंटर सामने पार्क के पास आवास विकास नंबर 1 कल्याणपुर कानपुर नगर। जय माता दी।